कोरोना की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इंदौर में बंद कर दी गई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 1 अप्रैल से शुरू हुई थी, 27 सितंबर को इसे बंद कर दिया गया है। इन 6 महीनों में 1,20,000 से अधिक कॉन्टैक्ट ट्रेस हुए हैं। इनमें 19,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, 90,000 से अधिक लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन किया गया। एक कोरोना संक्रमित रोगी ने औसतन 6.6 लोगों को संक्रमित किया। SDM के नेतृत्व में 100 से अधिक लोगों की टीम ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को अंजाम दिया। माना जा रहा है अनलॉक इंदौर में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चुनौतीपूर्ण हो गई थी। एक संक्रमित कितने लोगों से मिला यह पता लगाना मुश्किल हो गया था, इसलिए बंद कर दी गई है। हाँ, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी प्रशासन ने बंद कर दी क्योंकि इसका औचित्य कुछ रहा नहीं है। पहले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसलिए ये था, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था और वो पूरा भी हुआ है। पहले जब अपन एक कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्ट सब ढूंढते थे क्योंकि पहले अनलॉक था, अनलॉक के बाद में जैसे जैसे सारे कॉन्टैक्ट मिलते गए उनको हम क्वारंटाइन करते गए और वहाँ पर हमने संक्रमण की चेन को रोका। लेकिन अब इतना लॉकडाउन खुलने के बाद में इतना मुश्किल हो गया है कि कौन किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बंद कर दिया गया है। अभी तक अपने जो 22,000 में से जितने हमने कॉन्टैक्ट सर्च किए थे वो 1,20,000 करीब थे और उसमें से उन कॉन्टैक्ट्स की जब हमने सैम्पलिंग कराई थी तो उसमें करीबन 18,000 से 19,000 पॉजिटिव आए थे। बिल्कुल, जो जिन भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जितने भी हमने फर्स्ट कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया था उन सभी लोगों को हमने होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया था और वो करने के बाद हम लोगों ने उनके सैंपल लिए और उन सैंपल में से जो पॉजिटिव आए थे उनका संक्रमण हमने वहीं रोका। इसी 1,20,000 में से करीबन हमने 90,000-99,000 लोगों को होम क्वारंटाइन किया था और उनमें से करीबन 70,000 लोगों के सैंपल लिए गए थे।